तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 1K व्यू और 10 कमेंट का। चलिए अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर जो क्लास होती है वो आर्ट की क्लास होती है। हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो कहती है कि तुम लोग जो है ड्राइंग बना सकते हो। जो भी तुम्हारा पार्टनर हो, जो तुम्हारे आमने सामने बैठा हो, तुम एक दूसरे की ड्राइंग बना सकते हो एक दूसरे को देखकर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बैठकर ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इन सभी स्टूडेंट के बीच में हमारे कोमुरा और जो MI होते हैं वो दोनों यहीं पर बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो MI होती है वो चश्मा पहनकर नहीं आई होती है। वो कहती है कि मैं तो स्पेक्स पहनकर आई ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो कोमुरा होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ MI का जो फोटो है वो उसे बना लूँगा, ड्रॉ करने के बाद मैं उसे अपने डोर के फ्रंट पर लगा दूँगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जो है मियाँ की ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से बनाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि MI जो होती है वो उसके पास आ जाती है, उसे दिखाई नहीं देता ना दूर से, इसीलिए यहाँ पर वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही होती है। बट यहाँ पर वो कोमुरा को कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दूर से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। इसलिए MI जो होती है वो डिसाइड करती है कि जो उसके दिमाग के अंदर फोटो है कोमुरा की, वो उसी की हेल्प से इसकी ड्राइंग बनाएगी। फिर ये जो है बात बताती है कोमुरा को। कोमुरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये देखने के लिए कि MI के जो सर में कौन सी फ़ोटो है। फिर हम देखते हैं कि MI जो है वो ड्राइंग बना लेती है और कोमुरा को देती है। कोमुरा जो है वो फोटो को देखता है और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फिर कोमुरा कहता है कि चलो मैं इस वाली फ़ोटो को ही अपने जो डोर के बाहर लगा लूँगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्लास जो है वो 3 हम देख रहे हैं, 3B। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोमुरा है क्लास के अंदर आ जाता है, गुड मॉर्निंग MI बोलता है। यहाँ जो MI है आज भी ग्लासेस नहीं पहन कर आई है, वो उसके बहुत ही क्लोज आ जाती है। बट हम देखते हैं कि एकदम से जो सीन है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें कोमुरा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कोमुरा के भागते हुए अंदाज से तो लग रहा है कि उसके जो बैग है उसमें कुछ है। फिर हम देखते हैं कि जो उसके बैग में होता है MI का जो स्पेक्स है वो होता है। हम देखते हैं कि जो MI होती है वो स्कूल के अंदर पढ़ते हुए चश्मा हटा देती है पढ़ने के बाद। फिर उसकी दोस्त आ जाती हैं और कहती हैं चलो हम लोग साथ में वॉक करके चलेंगे। फिर MI कहती है कि चलो फिर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो MI होती है वो ग्लासेस जो है वहीं टेबल पर भूल जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोमुरा आता है, वो जो है कुछ काम करने गया था टीचर के पास इसीलिए लेट हो गया है। हम देखता है कि वो जो है यहाँ पर टेबल के ऊपर स्पेक्स रखा हुआ है। उसको फौरन पता चल जाता है कि ये जो स्पेक्स है वो MI का ही है। यहाँ जो कोमुरा है वो डिसाइड करता है कि वो उसे लाइन पर मैसेज करेगा। फिर वो जब लाइन पर मैसेज करता है वो कहता है कि तुम्हारे ग्लासेस जो हैं यहीं पर स्कूल के अंदर रह गए हैं। फिर MI जो होती है वो मैसेज करती है, कहती है कि उस ग्लासेस को वहीं टेबल पर छोड़ दो, अगली बार जब मैं आऊँगी तो उसे ले लूँगी। तो यहाँ पर जो कोमुरा होता है वो कहता है मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारी ग्लासेस को यहाँ पर छोड़ने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे घर पर ले जाऊँ। तो यहाँ जो MI कहती है कि ठीक है तुम उसे घर पर ले जा सकते हो और नेक्स्ट मंडे मुझे दे देना। इसीलिए ये यहाँ पर ग्लासेस लेकर आया हुआ है बैग में। वो अपनी मॉम को भी बहुत घूर कर देखता है कि जैसे उसकी मॉम जो है वो ग्लासेस चोरी कर लेंगी। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने रूम में आ कर उसकी ग्लासेस को वहाँ टेबल के ऊपर रख देता है और वो खुद पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट उसे दिमाग में फील होता है कि वो जो है MI उसके रूम के अंदर ही है। उसके अंदर बार बार दिमाग के अंदर तस्वीरें बन रही होती हैं। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि वो पढ़ाई कर नहीं पाता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कोमुरा होता है वो डिसाइड करता है कि इस ग्लासेस को उठाकर मैं कहीं और रख देता हूँ, फिर डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ एमआई जो है वो अपने बैकअप ग्लासेस के साथ पढ़ाई कर रही होती है और साथ में वो कोमुरा के बारे में ही सोच रही होती है कि अगर वो ग्लासेस के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट लगा देगा तो अच्छा नहीं होगा। बट कोमुरा तो यहाँ पर उसके ग्लासेस का बिल्कुल ख्याल रख रहा होता है। वो उसके ग्लासेस को अच्छी तरह से क्लीन करके अपने टेबल के ऊपर रखा होता है। तभी उसके पास फोन आता है। फोन पर जो है वो एमआई होती है जो लाइन पर ऑडियो कॉल कर रही है। यहाँ पर वो कॉल उठा लेता है और यहाँ से वो बोलती है कि तुमने जो है मेरे ग्लासेस को वहाँ से लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है कोमुरा, तुम बहुत ही अच्छे गुड बॉय हो। कोमुरा जो है वो शर्मा जाता है। फिर यहाँ पर जो एमआई है वो कहती है तुम्हें तो ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे मैं तुम्हारे रूम के अंदर हूँ। तो कोमुरा और ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि जो कोमुरा है उसे तो वो दिखाई दे रही होती है रूम के अंदर। वो जो है इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि जब रात हो जाती है तो कोमुरा को रात को भी दिखाई दे रही होती है एमआई। अब वो जो है रात भर इसी वजह से सो नहीं पाता है, पूरा वीकेंड जो है उसका ख़राब हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मॉर्निंग में वो मंडे को स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद वो यहाँ पर बैठा होता है, तभी यहाँ एमआई आ जाती है और फिर से ये जो है अपनी ग्लासेस भूल गई है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आए कि कोमुरा के पास ग्लासेस थे तो उसे जो है ग्लासेस वापस करना चाहिए था, बट कोमुरा ने जो है वो पहले ही उसे वापस कर दिया है। बट उसका सीन जो है वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एमआई जो होती है उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। कोमुरा सोचता है कि आजकल तो ये बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जा रही है। फिर हम देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है एमआई का और वो जो है उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती से ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि अगर वह अगली बार मैं गिरती तो मैं तुम्हारे लिप्स पर टच कर लेती, बट शुक्र है कि इस बार जो है हमारे लिप्स जो है वो टच नहीं हुए। अब यहाँ पर लिप्स टच करने का मतलब तो यही होता है लिप किस। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी दोस्त आती है और कहती है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो अजीब से दिख रहे हैं, तुम चलो वॉशरूम के अंदर और अपने बाल को देख लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एमआई होती है वो कोमुरा को कहती है कि क्या तुम मेरे बाल को देख सकते हो, क्या ये ख़राब लग रहे हैं। कोमुरा कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगली सुबह। अगली सुबह जो है सभी स्टूडेंट स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और आज के दिन जो कोमुरा है उसके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ एमआई जो है उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो बताता है कि मेरे शोल्डर में पेन है। अब यहाँ पर जो एमआई है वो कहती है कि मेरे डैड जो हैं वो कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा शोल्डर मसाज देती हूँ, तो क्या तुम मसाज करवाना चाहोगे। फिर हम देखते हैं कि कोमुरा जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, मैं ठीक हो गया हूँ। यहाँ पर वो कहती है अरे मेरी मॉम भी कहती है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा शोल्डर मसाज करती हूँ, तो क्या तुम करवाना चाहोगे। तो वो जो है उसके पास कोई और चारा तो होता नहीं है, इसीलिए वो कह देता है ठीक है तुम कर दो। यहाँ जो कोमुरा होता है उसके फिंगर्स को फील करने लग जाता है जब वो मसाज करती है और वाकई में उसे बहुत ही अच्छा लगता है उस शोल्डर मसाज से। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और वो अपने नोटबुक में लिख लेती है कि मैंने जो है आज शोल्डर मसाज किया है। तो यहाँ पर जो कोमुरा है वो पूछता है कि तुम इसे नोट क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि जब मैं अपने ग्लासेज नहीं पहन के आती हूँ तो तुम मेरी बहुत सारे हेल्प करते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करके नोट कर लेती हूँ कि मैं जो हूँ बिना ग्लासेज पहने कौन कौन से काम कर सकती हूँ और किस किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो। फिर हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं कि यहाँ पर एमआई जो होती है ग्लासेज पहन कर आई होती है, बट इस बार जो हमारा कोमुरा होता है वो क्लास में ही सो जाता है क्योंकि वो जो है वीकेंड पे सोया नहीं था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एमआई उसके पास जाती है और कहती है अरे पीरियड तो स्टार्ट होने वाला है, तुम सो क्यों रहे हो। वो उसका हाथ पकड़ कर टच करने लग जाती है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमुरा जो है वो जग जाता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वो कहती है कि मैं आज ग्लासेस भूल कर नहीं आई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं तुम्हें बहुत ही ध्यान से देख लूँ।
अगर मैंने कोई गलती कर दी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर कोमुरा कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो एमआई होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम जो हो मेरी फुल बॉडी को देख सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हारी बॉडी को देख रही थी। तो यहाँ पर जो कोमुरा है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।